How's the Josh Dele? All the best. Hey guys, welcome back again on my channel. This is me, your lucky boy. और गाइस इट्स अगेन अर्ली मॉर्निंग, अभी बज रहे सुबह के 6 और मैंने ट्रियुन ट्रैक जो है वो स्टार्ट कर लिया है। ट्रियुन बेसिकली एक छोटा सा हिल स्टेशन है कांगड़ा में, ये पड़ता है धर्मकोट में। एक्चुअली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में और ट्रियुन है पार्ट धर्मकोट का। यहाँ का ट्रैक मैं पहले कर चुका हूँ, आई पर्सनली लाइक दिस एंड कहते हैं इसे दैट दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट ट्रैक, बट मेरे हिसाब से इतना भी ईजी नहीं है। एनीवेज इट्स ऑल फन, आई रियली लाइक डूइंग इट। तो अभी मैं जा रहा हूँ धर्मकोट से गल्लू टेम्पल और वहाँ से एक्चुअल ट्रैक बिगन होगा। सो एग्जैक्टली 6 बजे मैं चला था, लेट्स सी कितने बजे तक मैं पहुँचता हूँ। The view guys, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। मैं ऊपर से तो बहुत ही प्यारा नजर आता है। ओके, अब किधर जाना है? कंफ्यूजन लुक्स लाइक दिस साइड। ओके सो गाइस, एज यू कैन सी सुबह मैं ट्रैक कर रहा हूँ एंड देयर इज नोबडी। एक्चुअली Usually you do find people. Okay, I think this is the way. So guys, जब आप ट्रैक करने आए दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें। ट्रैकिंग शूज जरूर पहने और स्पेशली अगर ट्रेन आ रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाते जाते वेदर बहुत चेंज होता है। अभी फिलहाल तो सुबह ही धर्मकोट पे काफ़ी ठंड है और सनस्क्रीन ज़रूर लेके आएँ जिनको सनबर्न नहीं करवाना है। हालांकि मैं भूल गया हूँ लाना, बट आप लोग ध्यान रखें और पानी की बॉटल और कुछ खाने के लिए ज़रूर रखें। लुक एट दिस गाइस। सो गाइस मैं पहुँच गया हूँ गल्लू टेंपल और धर्मकोट से ऊपर आने का रास्ता थोड़ा सा स्टीप है और आप ध्यान रखना क्योंकि शायद आप कहीं इधर उधर ट्रेल में ऊपर नीचे हो सकते हो, थोड़ा सा जजमेंटल होके करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा साइन वगैरह नहीं है। सो गाइस गल्लू टेंपल मैंने जस्ट क्रॉस किया पीछे। गल्लू टेंपल के बाद इट जस्ट स्ट्रेट ट्रैकिंग और यहाँ से कुछ 6-6.5 किलोमीटर पड़ता है त्रिवेंड। सो अब जो है एक्चुअल ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। Look at this guys. और ट्रैक कुछ ऐसा चल रहा है। सो गाइस बीच बीच में कुछ ऐसे स्ट्रेट वॉक भी आते हैं तो थोड़ा सा आपको आराम मिल जाता है, अदरवाइज कहीं कहीं जगह पे काफी स्टीप है। जैसे अब पीछे फ्लैट था, अब एकदम से ये आपको स्टीप मिल जाएगा। बट अगेन फॉर दिस व्यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस व्यू। लुक एट दिस। दिस व्यू मेक्स इट ऑल वर्थ इट। और गाइस एक दो ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर देता हूँ। जब आप गल्लू टेम्पल पहुँचो, अगर बाई चांस आपने पानी या कुछ खाने का या रेड बुल या फिर कोई चॉकलेट या कुछ भी ऐसा स्नैक्स टाइप लेना तो आप वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको जो नेक्स्ट कोई पॉइंट आएगा जहाँ से आप कुछ ले सकते हो वो ऑलमोस्ट हाफ वे पर पड़ता है। मैजिक व्यू कैफ़े शायद नाम मैं अगर नहीं भूल रहा हूँ तो। और दूसरी बात, अपना बैकपैक लाइट रखना है। पिछली बारी जब मैं आया था तो मुझसे एक गलती हो गई थी, कुछ 5-6 किलो का बैकपैक था मेरे पास, इस बार कंपैरेटिवली कम है। अगर आप धर्मकोट में स्टे कर रहे हैं तो आप अपना बैग या जो भी सामान है आप वहीं छोड़ के आ सकते हैं। एक छोटा सा बैग जिसमें पानी और कुछ खाने का लेकर आइए।
यहाँ आने से पहले थोड़ा सा कार्डियो ट्रेन जरूर कर ले, अदरवाइज आप बहुत थकने वाले हैं और आपको बहुत टाइम लगने वाला है ऊपर पहुंचने में। लुक एट दिस। और गाइस अगर आपको ट्विन टॉप पे कैंपिंग करनी है तो आप नीचे से भी धर्मकोट से कैंप आप बुक कर सकते हैं। काफ़ी सारे वहाँ पे शॉप्स हैं जो आपको ट्रैकिंग और कैंपिंग करवाते हैं। हालांकि अभी ट्विन टॉप पे नहीं होती कैंपिंग एग्जैक्टली, थोड़ा सा 300-400 मीटर नीचे है जहाँ कैंपिंग होती है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रैक इज दिस, यू जस्ट वॉकिंग अलोन, देयर इज नोबडी। इनफैक्ट प्री कोविड भी यही सीन था, ज़्यादा लोग आपको नज़र नहीं आते थे ट्रैक के वक्त। सो इट्स जस्ट यू एंड दिस ब्यूटीफुल व्यू, आप बस ट्रैक करते जाओ, जस्ट अब्सॉर्ब द व्यू, यू नो। और ये आवाज़ें जो चल रही हैं यहाँ पे, आई थिंक दिस इज व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल हियर। Look at this view, guys. My goodness. Guys, it looks like that I've almost reached the halfway. I think that is the cafe there, the Magic View Cafe. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. It's right. The world is dead, but we stay. Cause we are born as living fire. जस्ट क्रॉस्ड द मैजिक व्यू कैफ़े और अभी बज चुके हैं 7:40। मैं 5-10 मिनट यहाँ रुका था और 1.5 घंटे में लगभग मैं पहुँच गया था यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने कुछ पानी और गेटअवे वगैरह लिया है, और अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ से कुछ स्नीकर्स या गेटअवे, रेड बुल, पानी या फिर ब्रेड ऑमलेट या कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक्स आप यहाँ से लेकर आगे चल सकते हैं। इट्स बेसिकली द मिड पॉइंट। यहाँ से अभी कुछ 2 घंटे की ट्रैक और है ट्विन टॉप के लिए। सो लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचता हूँ मैं। जैसे जैसे ट्विन टॉप पास आता है थोड़ा सा ट्रैक और स्टीप होता चला जाता है, और अभी यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा सा स्टीप हो गया है। लास्ट का जो आधा किलोमीटर होता है वो सबसे हार्डेस्ट है। फिलहाल तो मैं नॉन स्टॉप ही चल रहा हूँ, बीच में बस थोड़े शॉर्ट्स के लिए रुकता हूँ, अदरवाइज मैं नॉन स्टॉप ही चल रहा हूँ। आई गेस थोड़ा ब्रेक वहाँ पर लेना पड़ेगा, बट ऑल एंड ऑल मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा गाइस यहाँ केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप जब आप ट्रैक कर रहे हैं आपकी बॉडी यहाँ वहाँ जाती है, क्योंकि बीच में पैर टेढ़े मेढ़े पड़ते हैं। इस तरफ अगर गिर गए All the best ever. So I'm avoiding that. तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें ट्रैक करते वक्त, थोड़ा सा इस तरफ। और गाइस एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जो भी खाने पीने का प्राइस है वो डबल ट्रिपल होता चला जाएगा। सो अगर आप धर्मकोट से लेंगे तो आपको ज़्यादा बजट फ्रेंडली रहेगा। सो गाइस अब थोड़ी सी थकावट होने लगी है। अभी मैजिक व्यू कैफ़े से कुछ मैं आधा घंटा ऊपर आया हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रीदर ले रहा हूँ और इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। नाउ सी दिस गाइस, अब यहाँ से थोड़ा सा स्टीप होता चला जा रहा है, ये देखिए। अब ये यहाँ से ऐसे और फिर वहाँ से राइट लेके ऊपर की तरफ। सो गाइस नाउ आई नीड विंग्स, टाइम फॉर रेड बुल। अब
अब यहाँ से जाना है यहाँ। रेडबुल से मिली नई ताकत और अब मैं उड़ता हुआ पहुंच जाऊंगा ट्रेन। किस हिसाब से इसको मॉडरेट ट्रैकिंग कहते हैं मुझे ये नहीं पता, बट मेरे हिसाब से आई एम प्रीटी रेगुलर एट वर्कआउट्स। हफ्ते में एक बार कार्डियो भी कर लेता हूँ अगर मुझे डिफिकल्ट लगता है। ये नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता यार, मतलब कर सकता है पर बैंड बच जाएगा उसका। तो भाई जो लोग कार्डियो वर्कआउट नहीं करते हैं अपना बैंड साथ लेके आए क्योंकि यहाँ बजेगा। तो गाइस मैजिक व्यू कैफे के बाद जब आप ऊपर आते हैं तो आप ऐसे साइंस आपको दिखेंगे बीच बीच में, सो आप इनको फॉलो करते चलें। तो गाइस एक सजेशन मैं और दूंगा आपको, जब आप ये ट्रैक कर रहे हैं जैसे मैंने साइन दिखाया पीछे, आप उन्हीं को फॉलो कीजिए। अगर ज़्यादा एडवेंचरस बनेंगे और अपना ट्रैल कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। जैसे ये साइन आ गया, ऐसे साइंस को आप फॉलो कीजिए। सो गाइस इट लुक्स लाइक कि मैं पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट। ये यहाँ से ऊपर जाके ये टॉप आ चुका है एंड आई थिंक आई हैव रीच रिलेटिवली फास्टर देन यूजुअल टाइम सजेस्टेड। शायद पिछली बार से भी जल्दी पहुँचा हूँ। अभी बज रहे हैं 8:50 एग्जैक्टली, सो 2 घंटे 50 मिनट और मे बी 5-10 मिनट और लग जाए ऊपर पहुँचने में। सो 3 घंटे में मैं पहुँच गया हूँ ऊपर, विच आई थिंक इज अ ग्रेट सक्सेस। We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. What's right. The world is dead, but we stay. 'Cause we are born as living fire. Just amazing, look at this. कुछ लोग इससे भी ऊपर जाते हैं ट्रैक करने के लिए। यहाँ से आगे ट्रैकिंग है बट आई थिंक दैट इज फॉर 2-3 डेज ऐसा कुछ है एंड दिस इज द धौलाधर रेंज पूरा। इट लुक्स ब्यूटिफुल। सो गाइज़ यहाँ पर ये छोटा सा एक ढाबा है, अगर आपको कुछ खाना पीना हो या फिर कोई भी रिफ्रेशमेंट आपको चाहिए हो तो यहाँ से मिल जाती है आपको। अब जो लोग कैंपिंग करते हैं वो थोड़ा सा नीचे जाके, यहाँ पे कोई गांव है या कोई एक जगह है जो 300-400 मीटर नीचे है वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं है, पहले होती थी। और वॉशरूम्स नहीं है गाइज़ यहाँ पे, सो अगर आप कैंपिंग करते हैं तो यू विल हैव टू मैनेज ऑन योर ओन। कैंप अराउंड आपको 500-700 मिल जाता है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन क्राउड एंड सीजन। तो नीचे से आपको अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे भी बुक हो जाते हैं तो आपको यहीं मिल जाएंगे वो, और यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट वालों के कुछ रूम्स अवेलेबल हैं बट वो हार्डली किसी को मिलते हैं। ऑनलाइन है इनकी वेबसाइट एक बुक करने के लिए। सो गाइज ये है ट्रिन टॉप, से भी आपको अगर इफ़ यू वांट एक्सप्लोर कर सकते हैं ऊपर जाके। और यहाँ मेरे पीछे देखें तो ये व्यू है,
इनफैक्ट आप कहीं भी देख लो, द व्यू इज जस्ट अमेजिंग एवरीवेयर. इट लिटरली फील्स लाइक दैट आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. लुक एट दिस. सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ नीचे, ट्रैक डाउन स्टार्ट करता हूँ. और पहले यहाँ से एक ले लेता हूँ गेटोरेट, पानी की बॉटल. और इट्स अराउंड 10 o'clock नाउ, 10 बजने में भी कुछ 2-3 मिनट बाकी हैं. लेट्स सी कितना टाइम लगता है नीचे जाने में. एक लास्ट अलविदा, बाय ट्रूंड, फिर मिलेंगे. और अब मैं जा रहा हूँ नीचे भागसू फॉल की तरफ. 10:10 हो गए हैं. और जो डिसेंट का रास्ता है वो भी सेम ही है, गलू टेम्पल तक ही जाना है आपको. और वहाँ से एक रास्ता जाता है भागसू फॉल, अगर आपको भागसू फॉल जाना है मतलब मकलोड़गंज की तरफ, तो आप जा सकते हैं. या फिर आप धर्मकोट, तो गलू टेम्पल से लेफ्ट लेते ही आ जाएगा आपका. सो मिलते हैं नीचे. सो गाइज, जैसे ऊपर आने के चैलेंजेस हैं, वैसे ही नीचे जाने के कुछ अपने चैलेंजेस हैं. ऊपर आते वक्त आपको स्टेमिना और एनर्जी काफ़ी लगती है, उसमें भी रिस्क होता है गिरने का. बट जब आप ट्रैक डाउन करते हो तो ज़्यादा रिस्क रहता है गिरने का, क्योंकि यू नो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो घुटने, दांत, मुंह और खोपड़ी फूटने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा स्पीड में भी जा रहे होते हो नीचे. सो बी केयरफुल वाइल ट्रैकिंग डाउन एज वेल. सो गाइज, दो चीज़ें आपने और नहीं भूलनी है मेरी तरह, पहला शेड्स और दूसरा कैप. अब धूप बिल्कुल सर पे आ गई है और बिल्कुल आँखों में पड़ रही है. सो गाइज, अगर आपने ट्रैक करना है तो मेक श्योर कि आप अर्ली मॉर्निंग करें या फिर इवनिंग में ट्रैक करें और ऊपर ही स्टे करें. क्योंकि अगर आप इस वक्त, अभी 11 बज रहे हैं, आप इस वक्त ट्रैक करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत टायर्ड हो जाएंगे आप और बहुत जल्दी. लेट मी चेक जो लोग अभी जा रहे हैं उनका क्या हाल है. How's the Josh Dele? All the best. So guys, just crossed the first checkpoint, Magic View Cafe. It's 11:06 now. Going good. यार मैं ये सोच रहा था, आधे से ज्यादा सामान तो मैं भूल गया हूँ, ये बैग में लाया क्या हूँ. जब दिमाग लगाया तो ये समझ आया खाना है उसमें, मतलब प्रायोरिटीज गाइस, हद हो गई. काम का सामान आधा भूल गया और खाना 2 दिन का. सो गाइस, यहाँ पे मुझे भागसू के लिए एक साइन मिला है. सो मैं यहाँ से जा रहा था, ये है आपका गल्लू टेंपल की तरफ, बट इवेंचुअली मुझे गल्लू से भी भागसू जाना था और मुझे यहाँ पर दिखा है भागसू के लिए डिटोर, तो मैं यहीं से फिर डायरेक्ट भागसू के लिए जाता हूँ. तो गाइज, मैं धर्मकोट तक तो पहुँच गया हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट रास्ते से आया हूँ. मैंने एग्जैक्टली वहाँ से शुरू किया था, वहाँ गल्लू टेम्पल से ऐसे गया था, अभी मैं बीच में से कहीं से आया हूँ. और ये जो रास्ता है ये मुझे भागसू ले जा रहा है. अभी इस वक्त बजे हैं 11:55, सो ऑलमोस्ट अराउंड 2 hours में मैं नीचे आ गया हूँ. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक इट. नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू. Don't do it for me, just do it for the YouTube algorithm. Like the video, comment if you have a question, concern or anything that you would like to ask. And don't forget to subscribe. Take care, bye-bye. Milta apne next video.